लाल छड़ी मैदान खड़ी। अरे क्या गुप्ता जी, क्या हो गया आज? क्या लाल छड़ी वड़ी क्या गाने वाने गा रहे हो? क्या रंगीन मूड में लग रहा है आज? खन्ना कुछ जी, आज ना मूड जरा रेड टाइप का है। रेड टाइप का बिल्कुल, असल में आपके लिए आज मैं लाया हूँ लाल परी। बिल्कुल लाल परी? तो गुप्ता जी सामने पेश करिए लाल परी लाया हमारे लिए तो। बिल्कुल बिल्कुल पेश करते हैं। ये लीजिए, ये है आपके लिए आज लाल परी। अरे गुप्ता जी ये क्या आइटम ले आज? बिल्कुल बताते हैं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू टू आवर आवर चैनल। चैनल। ये है गुप्ता जी। और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम खन्ना जी को पिलाएंगे लाल परी, सूला की लाल परी, मतलब सूला की रेड वाइन। अरे गुप्ता जी क्या बात है, लाल लाल क्या मतलब, क्या करना चाहते हो हमें रेड वाइन पिला के? क्या होता है बस इससे? आज माहौल थोड़ा रंगीन सा करना है, मन कर रहा है। तो रंगीन कर देंगे इसे फिर पीने के बाद देखते हैं। पर ये क्या है मतलब, सूला सटोरी मतलब सट्टा भी खेलना पड़ेगा क्या इसके बाद नहीं नहीं सटोरी? नहीं खन्ना जी, इसे पीने के बाद पूरा माहौल रंगीन हो जाएगा। कोई हम इलीगल कोई चीज नहीं करनी, हमें सट्टा कोई अच्छा नहीं खेलना, ठीक बस है। माहौल रंगीन करेंगे हम। तो गुप्ता जी फिर लाल परी के बारे में बताइए भी कुछ। बिल्कुल बताते हैं खन्ना जी। इसकी सबसे बढ़िया क्वालिटी पता है क्या है? ये इंडियन वाइन है। अच्छा हाँ, जो यहाँ ऑनर है वो इंडियन ही है। सबसे बढ़िया चीज़ इंडिया में बनती है, इंडियन वाइन है, बहुत बढ़िया वाइन है। और खन्ना जी, जो इसका नाम है सूला, वो उन्होंने रखा भी अपनी मदर के नेम पर है। अच्छा ये तो बहुत बिल्कुल बढ़िया बात है। बिल्कुल, बहुत सबसे बढ़िया चीज़ यही लगती है कि मतलब इंडियन वाइन मदर के नाम पे नाम रखा है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और पीने के बाद मज़ा आ जाएगा इसे। इसमें खन्ना जी, सबसे पहले तो अल्कोहल बता दूँ, सिर्फ 13% है। अच्छा कम है तो अपना बिल्कुल गुजारा हो जाएगा इससे बिल्कुल जो। होगा खन्ना जी, गुजारा होगा। हाँ बोतल एक की जगह दो खत्म होगी तो गुजारा जरूर होगा। चलो भाई ऐसा कर लेंगे। बिल्कुल, हाँ प्राइस इसका 940 है दिल्ली में। बाहर हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ये वाइन बहुत बढ़िया है। तो गुप्ता जी ये वाइन पीने से मैंने सुना है कि सेहत भी अच्छी रहती है कुछ। बिल्कुल, इससे आपका दिल तंदुरुस्त रहता है। बॉडी अच्छा तो आप कर ही लोगे तंदुरुस्त, दिल कैसे करोगे? दिल इससे भी क्या कर लेंगे बिल्कुल, दिल अगर आप कह इससे रहे हो तो। बिल्कुल, जब दिल टूटा हो तो भी इससे जुड़ जाता है, और जुड़ा हो तो और बढ़िया हो जाता है इससे। अच्छा बिल्कुल तो फिर जोड़िए दिल। बिल्कुल जोड़ते हैं। वैसे ये वाइन कभी मैंने पी नहीं है कोई नहीं खन्ना जी, हर यार चीज ये। इंसान पहली बार ही करता है। खन्ना जी, इसके पीने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ जैसे आपने देखा होगा, बियर हम एकदम चिल्ड पीते हैं, और विस्की में भी बहुत सारी कभी आइस डाल लेते हैं, कभी चिल्ड पानी। इसे जो ना पीनी जो चाहिए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 17-18 डिग्री पे होना चाहिए। तो पीने से पहले आप इसे 5 मिनट फ्रिज में रख दो या कुछ अच्छा ऐसा कर लो, तो ये बढ़िया टेस्ट आता है। इसे चिल्ड वगैरह पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा हमने तो कभी पी नहीं है गुप्ता जी। ये गिलास भी ऐसे पकड़ना पड़ेगा इस स्टाइल से? बिल्कुल खन्ना जी, ये वो कहते हैं ना, इससे ना हाथ की हीट लगती है, उससे भी अच्छा टेस्ट तो में थोड़ा फर्क आता है। देखते हैं ऐसे पकड़ने का स्टाइल स्मेल कीजिए, भी। इसकी स्मेल बहुत बढ़िया होगी। असल में ये ग्रेप से बनती है, अच्छा ग्रेप से बनती है, उसे फर्मेंट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। और भी पता नहीं, इतनी नॉलेज तो देखो अपने को होती नहीं है। नहीं अपने को नॉलेज क्या करनी है, अपने को तो पीनी है। पीनी है तो फिर मारो चेस। टेस्ट तो सही है इसका। आप देख रहे होगे, जैसे अंगूर हल्के से खट्टे होते हैं ना, ये कड़वे उसमें जाएगी ना मीठे उसमें आएगी, ये मिक्स होगा। पर वाइन लोग सुना मैंने कम पीते हैं। कम पीते हैं लेकिन पीनी चाहिए, हेल्थ हाँ के लिए अच्छी है। एक तो देखो दारू तो कोई भी हो पीनी चाहिए मैं तो कहता हूँ। देखो, दारू तो बिल्कुल पीनी चाहिए, लेकिन ये है, जैसे आप हफ्ते में, जैसे आप वो हफ्ते में 7 दिन है तो आप 14 दिन पीते हो। नहीं नहीं गुप्ता जी मैं हफ्ते में 7 दिन है तो एक आध दिन आधा दिन पीता हूँ चलो मैं बस। आपकी नहीं किसी और की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हाँ होते हैं हफ्ते में 7 दिन है, 7ों दिन पी रहे हैं, तो 1-2 दिन अगर ये पी लेंगे तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, बढ़िया भी हाँ लगती है। इंसान को चेंज करते रहना चाहिए। कभी बिल्कुल वोडका पी लिया कहीं, कभी बियर, बिल्कुल, कभी दारू, कभी वाइन, देखा आपकी बात निकल के आ गई और कभी ना, जिन भी पी लेनी चाहिए। आ गए ना तो वापस। 7 दिन थोड़ा डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो रहता है अभी ना आप थोड़ा। हफ्ते में एक दिन पी रहे थे, अब आपने अलग अरे अलग जो पीता है 7 दिन उसके लिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा जो पीता है, हाँ तभी उसके लिए बता रहा हूँ। लेकिन ये वाइन बहुत बढ़िया लगती है मुझे। है तो बढ़िया। मैं तो सुना है लोग कहते हैं इसका टेस्ट बेकार होता है, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा नहीं मुझे। नहीं बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। कुछ लोगों को शुरू में टेस्ट बेकार लगता है, तो अगर वो 3 या 4 बार पी लेंगे तो इसका टेस्ट बन जाएगा आपका। फिर आप इसे पियो, आप इसे अलग अलग तरीके से। मैंने जब शुरुआत करी थी, मैंने भी 4-5 बार पहले पी थी। उसके बाद खन्ना जी मैंने क्या किया, पूरी बॉटल ली, एक जग में डाल दी, उसमें पाइन एप्पल काट के डाल दिए, ऑरेंजेस काट के डाल दिए, नींबू काट के डाल दिए, और उसके बाद पिए मैंने कई बार, तो अच्छा ही ये कि टेस्ट बन जाए मेरा। लेकिन अब मेरा टेस्ट पूरा डेवलप हो चुका है, काफ़ी गुप्ता टाइम से पी रहा हूँ,
बहुत बढ़िया लगती है मुझे तो। दारू के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हो, पाइन एप्पल ये वो सब आप। असल में दारू में अल्कोहल ज्यादा होता है तो कम अल्कोहल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा के लिए तो आपको होता है हमें क्या मेहनत करनी है। ज्यादा के लिए तो कुछ नहीं करना, पानी लाना और बस कर देना काम। 40 से 70 हो जाए अल्कोहल कोई दिक्कत नहीं है, 40 से 13 करना है ना तो इसलिए मेहनत करिए। मुझे लगता है पीनी भी पूरी बोतल बढ़ती होगी। पूरी कह सकते हो आप, आपको तो कह रहे एक बोतल भी कम पड़ेगी। नहीं नहीं गुप्ता जी, हम तो इसी में लग रहा है शुरू सा हो गया कुछ। नहीं नहीं ऐसे देखो आगे नशे वाली लग रही है, मुझे तो सर भी हल्का सा घूमने लग गया। तो आपने लाल परी का नाम सुन लिया ना इसलिए आपको हो गया ऐसा। खन्ना जी आपकी फेवरेट कंट्री में पता ही होगा आपको कौन सी है। मेरी फेवरेट कंट्री तो इंडिया है। नहीं जो आपकी फेवरेट कंट्री है ना रशिया, उसके आप कोई सीरीज देखो, उसमें क्या होता है हर कोई वाइन पी रहा है, कोई विस्की वगैरह नहीं पी रहा, हर कोई वाइन ही पी रहा है खाने के साथ, खाने के बाद हर टाइम वो वाइन। ये बार बार मेरे पे रशिया भी क्यों आ जाता है, मेरे को समझ में नहीं आ रही ये बात। वाइन तो ठीक है, वाइन में भी रशिया ले आप मेरे साथ। असल में आपके दिल की बात जानते हैं ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है खन्ना जी, एक सवाल है मेरे मन में। हाँ बताओ। इंसान को कब तक पीते रहना चाहिए? देखो मेरा ये मानना है इंसान को पता है कब तक पीना चाहिए, जब तक उसे दूसरे की बीवी छोड़ के अपनी बीवी सुंदर ना लगने लग जाए तब तक इंसान को दारू पीनी चाहिए। जब उसने सुंदर लगने लगी उसे तो समझो उसे नशा हो गया। खन्ना जी आपकी पिटाई होने वाली है। अरे नहीं गुप्ता जी मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे मैं पीऊं चाहे ना पीऊं मुझे अपनी। अरे हर कोई सच्चाई नहीं बोलता ना गुप्ता जी, हम टीवी पर सच्चाई बोल रहे हैं। तो यानी कि आपने सच्चाई बोली है। अरे मतलब दिल की, ये तो दारू पी के ही तो बातें निकलती है मुंह से बस। चलो इस बात के बाद अगर आपको रहने की जगह चाहिए तो मेरा घर खाली है, आप कभी भी आ सकते हैं। अरे नहीं गुप्ता जी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बहुत फ्री माइंडेड लोग हैं आजकल के। गुप्ता जी आपकी लाल परी का टेस्ट तो बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। लाल परी लाल रंग में आती है, और भी रंग आते हैं इसके परी। खन्ना जी ये आपको ना अलग अलग कलर में मिलेगी। अच्छा व्हाइट कलर है, व्हाइट वाइन भी आती है। अच्छा आपको जैसे गुलाब बहुत पसंद है तो रोज वाइन भी आती है। अच्छा तो अलग उनके भी टेस्ट बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया मुझे जो लगती है रेड वाइन लगती है। रेड वाइन लगती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको व्हाइट वाइन और रोज वाइन का भी टेस्ट कराएंगे। हाँ बिल्कुल कराना गुप्ता जी, सही चीज लाया आज, मुझे लग रहा है कुछ बढ़िया चीज लेके आया ये वाइन तो। लोग कहते हैं कि मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं, लेकिन डेवलप हो जाता है टेस्ट धीरे धीरे। हमारा तो एक ही दिन में हो गया गुप्ता जी। अरे आप आपकी और अलग औरों की बात अलग है ना। खन्ना जी आपने चलो पहली बार पी गया है वाइन, तो रेटिंग क्या दोगे अगर इसे रेट करना हो आपको? गुप्ता जी मुझे तो ये पसंद आई है, इसको मैं रेटिंग दूंगा 9। अच्छा खन्ना जी देखो इसकी रेटिंग मेरी तरफ से भी 9 बनती है। अच्छा हाँ मैंने और वाइन भी पी है, पीता ही हूँ, और भी अलग अलग कंपनीज के हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे रिव्यू, लेकिन ये वाइन बहुत बढ़िया लगती है। तो मेरे वाइन की जानकारी ना ज़्यादा आपको है, हम तो वाइन वून पीने वाला आज समझ लो पहली बारी भी या दूसरी बारी कभी पी ली होगी। बढ़िया वाइन है ये तो पीनी चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और पियो सबसे बढ़िया चीज़ पियो और जियो। तो गुप्ता जी वही कर रहे हैं, पी रहे और जी रहे। बिल्कुल तो चलिए गाइस आप भी पियो और जियो, हम भी इसे पीते हैं आज, इसकी गुप्ता जी की एक दो बोतल निपटाई देते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है एक दो बोतल पीने के बाद, फिर देखते हैं किसको क्या सुंदर लगता है। ओके गाइस बाय, चीयर्स।